कोरोना इतनी भयानक बीमारी हमारी आपकी पढ़ाई को रोक नहीं सकती, पढ़ाई में रुकावट नहीं ला सकती। क्यों? क्योंकि पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं कोरोना, तुम कब तक मुझको रोकोगे। स्वागत है आपका टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में, मैं अंकेश पांडे भारतीय अर्थव्यवस्था विषय के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, संस्थान के द्वारा आरओआरओ का बैच लाया गया है, उसी कड़ी में मैं अर्थव्यवस्था विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आरओआरओ में एंट्री लेने के लिए हमारे यहां दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम लोग बात करेंगे दोस्तों आज इकोनॉमी के बहुत बेसिक से, जिन चीजों को शुरुआत में ही हमको समझ लेना चाहिए उससे, यानी बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक को हम लोग देखने चल रहे हैं। अर्थशास्त्र का जो बेसिक है, जो शुरुआत है, उससे हम लोगों को शुरुआत करना है आज की क्लास को। और आज इसी क्लास में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, यानी क्या होता है डिमांड, क्या होता है सप्लाई, इन सभी पक्ष पर आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। हम लोग बात करने चल रहे हैं आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, क्या बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ध्यान से देखिएगा, ये हमारी अर्थव्यवस्था की शुरुआत के लिए सबसे प्राथमिक चीज होती है, समझने के लिए, जानने के लिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हम लोगों को शुरुआत से समझनी चाहिए, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स की हम लोग बात करने चल रहे हैं, यानी हम लोग क्या बात करने चल रहे हैं, अर्थशास्त्र का आधार, अर्थशास्त्र का आधार। अर्थशास्त्र का आधार में ध्यान से देखो, दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है किसी भी चीज के लिए। दो बहुत महत्वपूर्ण चीज हमारे अर्थव्यवस्था में या फिर अर्थशास्त्र में हम कह सकते हैं, क्या क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों, कि सबसे पहली चीज किसी भी अर्थव्यवस्था को शुरुआत करने के लिए किसी चीज की डिमांड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिमांड होनी चाहिए। यानी हम यहां पर कहेंगे कि अर्थशास्त्र के आधार में सबसे पहली चीज है डिमांड, यानी मांग। ध्यान से देखिए, दूसरी चीज है पूर्ति। दूसरी चीज है क्या? पूर्ति। दोस्तों, दूसरी चीज है यहां पर पूर्ति, यानी इसको सप्लाई कहते हैं। ठीक, ध्यान से देखते चलिए, मांग किन चीजों का होता है, मांग किन चीजों का होता है, ध्यान से देखो, या तो वस्तु का होगा, या तो वस्तु का होगा या तो सेवा। क्यों? किसी भी चीज का दो ही प्रारूप हो सकता है, या तो वस्तु या तो सेवा। अभी मैं डिस्कस करूंगा क्या होता है वस्तु, क्या होता है सेवा। पहले आप ध्यान से समझो कि डिमांड किन चीजों का हो सकता है, या तो वस्तु या तो सेवा। ठीक है, और अगर ध्यान से यहां पर एक और चीज देखा जाए कि अगर मांग वस्तु या सेवा का होगा तो सप्लाई भी किस चीज का होगा? वस्तु या सेवा का ही होगा। ध्यान से देख लो, यहां पर वस्तु या सेवा का ही सप्लाई होगा, यानी पूर्ति भी किन चीजों की होगी? वस्तु या सेवा की, गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन ये बनता है कि डिमांड का संबंध, एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है, डिमांड का संबंध किससे होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड का संबंध, यानी रिलेशन जब यहां पर पूछा जाए, ये क्वेश्चन यहां पर एक नंबर का हमेशा बनता है वन लाइनर का, कि रिलेशन इसका किससे है, यानी संबंध इसका किससे है, संबंध इसका किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध हमेशा 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 याद रखिएगा, उपभोक्ता से होता है, यानी कंज्यूमर से होता है। किससे दोस्तों? कंज्यूमर से होता है, कंज्यूमर से होता है। और दूसरी स्थिति यहां पर पूछा जाए कि पूर्ति का संबंध, यानी रिलेशन, पूर्ति का संबंध यानी रिलेशन किससे होता है, इस बात को समझते चलिएगा, इसका संबंध यानी इसका संबंध, इसका रिलेशन किससे होता है, इसका संबंध होता है हमेशा किससे दोस्तों? उत्पादक वर्ग से, यानी प्रोड्यूसर से। उत्पादक यानी किससे? प्रोड्यूसर से।
तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से तैयार हो जाना चाहिए कि अगर मांग का संबंध पूछे किससे, तो मांग का संबंध हमेशा उत्पादक वर्ग से, उपभोक्ता वर्ग से, यानी जो चीजों का कंजम्पशन करता है, कंज्यूम करता है। अगर यहां पर दूसरा पूछे कौन सा कि पूर्ति का संबंध किससे है, तो उसका संबंध हमेशा किससे दोस्तों, आपके उत्पादक वर्ग से यानी प्रोड्यूसर से। अब बात यहां पर यह है कि मांग क्या है, सप्लाई क्या है, या फिर पूर्ति क्या है। मांग क्या है, पूर्ति क्या है, मांग का नियम क्या है, मांग आखिर क्यों है, इन सभी बातों पर आएंगे। उससे पहले हम ये समझ ले कि वस्तु और सेवा क्या है, वस्तु और सेवा क्या है, उपभोक्ता क्या है, उत्पादक क्या है, इन बातों को समझ ले, फिर हम समझते हैं कि मांग और पूर्ति क्या है। हम समझने चल रहे हैं कि वस्तु और सेवा क्या है। ध्यान से देख लो, देखो वस्तु क्या होता है, वस्तु की परिभाषा, वस्तु की परिभाषा जो प्रायः हम लोग पढ़ते हैं लेकिन कभी कभी कुछ चीजों में स्पष्टता नहीं हो पाती है। आप इसको एक लाइन में यहां पर समझ सकते हैं कि हर वह चीज जो दृश्यमान हो, जो दृश्य हो, जिसे आप दृश्य देख सकते हैं, और उसका कोई आकार हो, और उसका कोई निश्चित आकार हो, निश्चित आकार हो, वस्तु कहलाती है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम कुछ भी कह लें जिन चीजों को आप देख सकते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक मार्कर हो गया, या फिर कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, कैमरा हो गया, हर वो चीज जिसको आप छू सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, वह क्या है, वस्तु है, यानी वह देखने लायक है और उसका एक निश्चित आकार है, वही चीज वस्तु कहलाती है। तो सेवा क्या कहलाता है, इसी कड़ी में दोस्तों नेक्स्ट हम देखेंगे सेवा क्या कहलाता है। देखो सेवा क्या होता है, सेवा क्या कहलाता है दोस्तों, देखो हर वह चीज बहुत आसान चीज है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, जैसे बैंकिंग का कोई कार्य हुआ आपका, ये सब सभी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती हैं दोस्तों, ये सब सभी चीजें सेवा के अंतर्गत आ जाती हैं। देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे उपभोक्ता क्या है और उत्पादक क्या है। उपभोक्ता यानी क्या, प्रोड्यूस कंज्यूमर, उपभोक्ता यानी क्या, कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है दोस्तों, किसी वस्तु या सेवा का किसी व्यक्ति, संस्थान या किसी के द्वारा, व्यक्ति, संस्थान या किसी के द्वारा के द्वारा उस वस्तु या सेवा का उस के द्वारा उस वस्तु या सेवा का नाश करना यानी समाप्त कर देना या समाप्त करना उपभोग कहलाता है। उपभोग
कहलाता है, कहलाता है, और जो इसका उपभोग करता है उपभोक्ता कहलाता है, जो इसका उपभोग करता है क्या कहलाता है दोस्तों, उपभोक्ता कहलाता है। कहलाता है, क्लियर है? ध्यान से देखो, किसी वस्तु या सेवा का किसी व्यक्ति या संस्थान या किसी के द्वारा उस वस्तु या सेवा का नाश करना, क्योंकि उपभोग करना मतलब उस चीज को उस जगह पर समाप्त कर देना होता है। ठीक है, किसी भी चीज को उस जगह पर, वहां पर जहां पर कोई चीजों का उपभोग कर ले वहां पर वह चीज समाप्त हो जाता है, क्या कहलाता है? जैसे आप ब्रेड खाते हैं तो आप ब्रेड के क्या हैं? उपभोक्ता हैं। ब्रेड का अंतिम रूप से आपने क्या कर लिया? नाश कर दिया, समाप्त कर दिया, उसको आप खा गए, तो वह क्या है? ब्रेड के आप उपभोक्ता थे, यानी आपने उपभोग किया उस ब्रेड को पूरी तरह से समाप्त करके। ठीक है, अब ऐसे ही उत्पादक क्या होता है? ध्यान से समझो, उत्पादक क्या होता है? उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है दोस्तों? देखो, वस्तु या सेवा का क्या करना दोस्तों? वस्तु या सेवा का यहां पर सृजन किया जाता है। किसके द्वारा? किसी व्यक्ति, संस्थान या किसी के द्वारा किसी वस्तु या सेवा का सृजन करना किसी व्यक्ति या संस्थान के द्वारा या किसी के द्वारा उत्पादक कहलाता है। पहले ध्यान से देख लो, किसी वस्तु या सेवा का सृजन करना किसके द्वारा? किसी व्यक्ति, संस्थान, उद्योग किसी के द्वारा क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? उत्पादन या प्रोड्यूसर। उत्पादन कहलाता है और जिसके द्वारा यह उत्पादित किया जाता है क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। क्लियर है? अब हम बात करने चल रहे हैं कि क्या होता है डिमांड और क्या होता है सप्लाई। ये कुछ बेसिक्स थे, इसको जान लेना जरूरी था। इसके बाद हम लोग बात करने चल रहे हैं क्या क्या होता है मांग और क्या होता है पूर्ति, इन बातों को देखने चल रहे हैं। यानी मांग क्या है, हम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी में सबसे पहले अभी बात करने क्या चल रहे हैं दोस्तों, अभी हम लोग बात करने चल रहे हैं कि मांग और पूर्ति की बात करने चल रहे हैं, यानी डिमांड एंड सप्लाई। मांग क्या है? मांग क्या है? मांग क्यों है? मांग का नियम क्या है? नियम क्या है पहले हम बात कर लें। पहले मांग क्या है, मांग का नियम क्या है,
इसको बात कर ले, फिर हम पूर्ति पूर्ति पे देखेंगे कि पूर्ति क्या है, पूर्ति का नियम क्या है, पूर्ति का कॉन्सेप्ट क्या है, इन बातों को हम लोग देखेंगे। हम लोग बात करने चल रहे हैं क्या दोस्तों, मांग क्या है। सबसे पहले हम लोग समझने चल रहे हैं कि मांग क्या है। देखो दोस्तों, मांग का संबंध दो चीजों से है। क्वेश्चन बनता है कि मांग का संबंध किससे किससे है। मांग का संबंध दो चीजों से है। मांग का संबंध हमेशा समय और कीमत से होता है। ध्यान से देखो, मांग का संबंध किससे होता है, एक निश्चित समय से होता है, निश्चित समय से होता है, और एक निश्चित कीमत से होता है। एक निश्चित समय से होता है, एक निश्चित कीमत से होता है। जैसे किसी भी चीज का समय के अनुसार कीमत में उतार चढ़ाव होता है। कीमत को समझो, समय के साथ किसी भी चीज में कीमत में वृद्धि कमी होती रहती है। किसी भी चीज की कीमत में वृद्धि कमी होती रहती है, तो मांग उसी के अनुसार, समय के अनुसार कैसे बढ़ता घटता है, यही बात हम लोग करने चल रहे हैं। यानी मांग क्या है, मांग का नियम क्या है, इन मांग का संबंध कैसे समय से है, कैसे कीमत से है, इसकी बात करने चल रहे हैं। यानी हम कहें कि किसी निश्चित समय, समय भी दो प्रकार का होता है, समय भी मांग से संबंधित समय भी दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आज की बात कर ले तो 11 तारीख की बात कर ले, यानी 11 अप्रैल की बात कर ले, या फिर हम पीरियड ऑफ टाइम कह दें, एक टाइम के ड्यूरेशन की, जैसे हमारा वित्तीय वर्ष क्या होता है, मान लो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। टाइम का भी यहां पर दो पक्ष है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर हम लोग फिलहाल देखेंगे इस मांग के संबंध में पॉइंट ऑफ टाइम की बात पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ध्यान से देखो, अगर हम मांग की परिभाषा की बात करें, तो ये क्या कहता है, मांग की परिभाषा की बात करें मांग की परिभाषा क्या कहती है कि किसी निश्चित समय में निश्चित कीमत पर बाजार में किसी निश्चित समय में किसी निश्चित कीमत में कीमत पर क्या दोस्तों किसी निश्चित समय में किसी निश्चित कीमत पर बाजार में उपभोक्ता द्वारा मांगी गई उपभोक्ता द्वारा मांगी गई वस्तु तथा सेवा की मात्रा ही क्या कहलाता है, मात्रा ही उस वस्तु या सेवा की मांग कहलाता है। देखो कैसे इसका संबंध, देखो किसी निश्चित समय में किसी निश्चित कीमत और बाजार में उपभोक्ता द्वारा मांगी गई वस्तु या सेवा की मात्रा ही उस वस्तु या सेवा की मांग कहलाता है। ध्यान से समझ लो, जैसे हमने कहा कि इसका संबंध समय से कैसे है, इस बात को समझो, इसका संबंध समय से ऐसे है दोस्तों, जैसे मान लो आज 11 अप्रैल है, ठीक, मान लो
हम अभी की बात करें तो अभी अगर एक बेसिक उदाहरण जो हम रेगुलर यूज में प्रयोग करते हैं, रेगुलर प्रयोग करते हैं, क्या प्याज की कीमत हम यहां पर रख ले, प्याज की कीमत अगर हम कह ले कि 20 रुपया किलो है, मान लो 20 रुपया केजी है, जो भी है आई डोंट नो कितना अभी चल रहा है, मान लो 20 रुपया केजी है और यही समय बदल जाए, यही समय बदल जाए अभी, और ये समय मान लो 25 अप्रैल को हम लोग जब देखें, 25 अप्रैल को जब देखें तो हो सकता है प्याज की कीमत में बढ़े, कीमत में वृद्धि हो जाए या फिर कमी हो जाए, वो डिपेंड करता है कि कैसे, वो मांग के नियम में समझेंगे कि कैसे ये बढ़ जाता है कैसे घट जाता है। ध्यान से देखो, फिलहाल मांग की बात जब करेंगे तो मान लो 25 अप्रैल है तो इसकी कीमत हो सकता है 25 रुपया हो जाए या फिर हो सकता है 15 रुपया हो जाए, तो ऊपर या नीचे हो सकता है। तो मांग का एक्चुअल रिलेशन समय से क्यों है, क्योंकि एक निश्चित समय पर वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हम लोगों को देखने को मिलता है। इसीलिए इस परिभाषा में हम लोगों ने एक चीज पॉइंट आउट किया कि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित कीमत पर बाजार में उपभोक्ता द्वारा मांगी गई वस्तु तथा सेवा की मात्रा ही उस वस्तु तथा सेवा की मांग कहलाती है। क्लियर है? चलिए, क्लियर है, लिखेंगे क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, मांग क्यों है। हमने समझा यहां पर क्या था, पहला पॉइंट था मांग क्या है, यानी व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज डिमांड, हम लोगों ने डिमांड को समझा कि मांग क्या है, मांग क्यों है, इसकी बात हम लोग करें। मांग आखिर क्यों है, किसी भी चीज की मांग क्यों होती है, इस पे हम लोग बात करने चल रहे हैं। देखो मांग क्यों है, व्हाई इज डिमांड, मांग क्यों है। किसी भी चीज की डिमांड हमें क्यों होती है, हमें आखिर किसी चीज की डिमांड क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि उस वस्तु या सेवा की आपके जीवन में कुछ ना कुछ उपयोगिता होती है। किसी ऐसे चीज की क्या आप डिमांड करते हैं जो आपके यूज की नहीं है, किसी ऐसे चीज की आप डिमांड करते हैं क्या कि जो यूजलेस हो चुका हो, यानी काम हो चुका हो, उसका प्रयोग करते हैं। खाली पेन की आपको आवश्यकता है, पॉलिथीन जो खराब हो चुकी है उसकी आवश्यकता है, या फिर किसी भी ऐसे गार्बेज चीज की जरूरत है क्या जो वास्तव में यूजलेस हो चुका है, जिसका प्रयोग हो चुका हो, ऐसी चीज की जरूरत नहीं होती। यानी किसी चीज की डिमांड तब होती है, जैसे आपको कोचिंग में एडमिशन इसलिए लेना है क्योंकि आरओआरओ का पेपर है, आरओआरओ के पेपर को क्रैक करना है, तो आप परचेज क्यों करोगे, क्योंकि आप कुछ चीजें जान करके आप यहां से कोशिश करोगे कि पेपर को अच्छे से कर पाए, यानी सॉल्व कर पाए। यानी मांग किसी चीज की क्यों होती है, उस वस्तु या सेवा की, जैसे हम लोगों के टीस करने से आपकी सेवा से, हमारी सेवा से आपकी उपयोगिता या आपका जो जरूरत है वो पूरा हो पाए, वो फुलफिल हो पाए, समझ पाए। यानी किसी भी चीज की जरूरत इसलिए क्योंकि उसकी उपयोगिता आपको है। यानी हम अगर कहें कि मांग क्यों है, तो उस वस्तु या सेवा की वस्तु उपयोगिता की वजह से। यानी इसको क्या कहते हैं, यूटिलिटी। क्या कहते हैं दोस्तों, यूटिलिटी। यानी किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता क्यों है, क्योंकि उसकी यूटिलिटी है। क्लियर है, स्पष्ट है। अब देखो मांग के नियम पर बात करने चल रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में, इससे क्वेश्चन प्रायः बनते रहते हैं। ठीक है, मांग का नियम क्या कहता है, तीसरा पॉइंट इसमें है, मांग का नियम क्या कहता है। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है, इस बात की बात करने चल रहे हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होता है, मांग का नियम, यानी थ्योरी ऑफ डिमांड पे हम लोग बात करें कि डिमांड का नियम, यानी मांग का नियम कहता है
कि किसी वस्तु या सेवा की अगर कीमत में वृद्धि हो जाती है, किसी वस्तु या सेवा की कीमत में अगर वृद्धि हो जाती है तो उस वस्तु या सेवा की डिमांड में कमी हो जाती है। यही चीज दूसरे पक्ष में कैसे कहा गया कि किसी वस्तु या सेवा की कीमत में अगर कमी कर दी जाती है तो उस वस्तु या सेवा के डिमांड में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। मांग का संबंध पूर्ति सॉरी कीमत का संबंध मांग से विलोमशः है, यानी विपरीत परिस्थिति में है। यानी किसी वस्तु या सेवा की कीमत में जब वृद्धि होती है तो उस वस्तु या सेवा की डिमांड में कमी हो जाती है, और किसी वस्तु या सेवा की कीमत में अगर कमी होती है तो उस वस्तु या सेवा की डिमांड में वृद्धि हो जाती है। यानी एक चीज ये कहता है कि when price is increasing then demand is decreasing। दूसरे पक्ष में क्या कह रहा है कि when price is decreasing then demand is increasing। यानी यहां पर क्या कि प्राइस जब डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड किसी चीज की क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। ये किसका, ये मांग का नियम कहता है। यानी मांग का नियम दो सूत्र देता है, दो बात बताता है अपने ही नियम में कि जब किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होती है, जब किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु या सेवा के मांग में कमी होती है। दूसरे पक्ष में यही बात ये कहता है कि जब वस्तु या सेवा की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु या सेवा की डिमांड में या फिर मांग में वृद्धि होती है। जस्ट विपरीत संबंध। यानी यहां पर एक चीज यहां पर आप समझेंगे कि मांग का संबंध कीमत से यानी प्राइस से विलोमशः होता है। इसकी परिभाषा की, इसकी परिभाषा को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मांग का नियम क्या कहता है कि जब स्थितियां सामान्य हो, यानी अन्य चीज सामान्य हो, अन्य चीज समान का अर्थ यहां पर यह है कि जैसे किसी चीज की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी डिमांड में कमी हो जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति कब, जब सारी स्थितियां सामान्य हो। जैसे मान लो कि किसी चीज की डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो वास्तव में बहुत क्वालिटी वाला हो या फिर बहुत ज्यादा मार्केट में उसका ट्रेंड हो, तो उसकी मांग पर जैसे जिस चीज की जैसी मांग होगी कीमत चाहे जितनी बढ़े वो फिर उसी तरीके से रहेगा। लेकिन सामान्य परिस्थितियों की बात यहां पर मांग का नियम लागू होता है। यानी मांग का नियम सामान्य परिस्थितियों में लागू होता है। कैसे लागू होता है कि अन्य स्थितियां समान रहे। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि मान लो लॉकडाउन लगा था, कहीं किसी भी चीज मान लो कहीं दुकान कहीं नहीं खुल रहे, तो शुरुआत की स्थिति में बता रहा हूं, जैसे किसी की मोबाइल फूट गया और उसको मोबाइल की आवश्यकता है और मोबाइल के दुकान कोई खुल नहीं रहे, एक दुकान पर्टिकुलर बस खुला हुआ है और उस दुकान पे शॉर्टेज है चीजों की। अब उस चीज की कीमत वो बढ़ाए चाहे घटाए वो बिकेगा ही बिकेगा, कारण क्योंकि स्थितियां विपरीत है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि मांग का नियम तब लागू होता है जब सामान्य परिस्थितियां हो। सामान्य परिस्थितियां इसलिए कि अन्य चीजें सामान्य है, इसके बावजूद अगर किसी चीज की कीमत में वृद्धि हो रही तब उसके डिमांड में कमी होगी, या फिर कमी हो रही है तो उसके डिमांड में वृद्धि होगी। यानी हम यहां पर लिखेंगे अन्य मद सामान्य होने पर अन्य मद सामान्य होने पर किसी वस्तु या सेवा का, किसी वस्तु या सेवा के, किसी वस्तु या सेवा के कीमत और कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है।
विपरीत संबंध ये थ्योरी ऑफ डिमांड है। एक लाइन का डिमांड इसका रूल है कि किसी वस्तु या सेवा की कीमत और मांग में विपरीत क्या होता है, संबंध होता है। विपरीत संबंध होता है कब, जब अन्य मद सामान्य हो। सामान्य होने का मतलब जैसे कोई विशेष परिस्थिति नहीं हो, कोई विशेष परिस्थिति नहीं हो, जैसे कोई कोई चीज ऐसी होती है, कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज होती है जिसकी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन उसके बावजूद उसकी किसी चीज की डिमांड कीमत बढ़ने के बावजूद भी बढ़ी रहती है, तो वो विशेष परिस्थितियां होती हैं, उसकी विशेष जरूरत होती है, मार्केट में उसका अचानक से बूम आया रहता है, तो ऐसी स्थितियों में मांग का नियम नहीं लागू होता है। मांग का नियम हमेशा सामान्य स्थितियों में लागू होता है। इसीलिए पहला शब्द हमने लिखा अन्य मद सामान्य होने पर किसी वस्तु या सेवा की कीमत, किसी वस्तु या सेवा की कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, और वह विपरीत संबंध क्या है, और वह विपरीत संबंध क्या है दोस्तों, यहां पर हम लोग देखेंगे कि पी व्युत्क्रमानुपाते 1/D के, यानी इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि कीमत कीमत व्युत्क्रमानुपाते मांग के, यानी हम इसको कैसे कह सकते हैं कि P बराबर यहां पर क्या है, प्राइस है, पहले समझ लो P बराबर प्राइस है यानी कीमत है, D बराबर क्या है, डिमांड है, डिमांड है। अब देखो जैसे अगर इसमें प्राइस में वृद्धि हो रही है तो डिमांड में कमी हो जाएगी, प्राइस में वृद्धि हो रही है तो डिमांड में कमी हो जाएगी। डिमांड में अगर कमी हो रही है, देखो एक बात समझ लेना, एक बात समझ लेना, यहां पर प्राइस से सारी चीजें संबंधित है, कीमत से संबंधित है, ना कि मांग से। कभी भी उल्टा रिलेशन मत बता देना कि डीब ऐसी स्थिति में है, तो लिख तो सकते हैं, मैथ में लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि यह ऐसी स्थिति होती है कि इसकी वजह से इस पर प्रभाव पड़ता है, डिमांड पर कीमत की वजह से प्रभाव पड़ता है, तो इसको हमेशा इसी परिस्थिति में लिखना या फिर देखना पेपर में। चलो अब देखो इसको अगर हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से, इसको हम मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझें कि क्या है इसका रूल, यानी क्या है इसका मांग का नियम का, जो हम चित्र के माध्यम से हम लोग अगर अनुसरण करें, ध्यान से देखें तो क्या है। चलिए देखते हैं, मांग का नियम हम चित्र के माध्यम से समझने चल रहे हैं। मांग का नियम क्या कहता है, देखो देखो मांग का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होगी उसके डिमांड में कमी होगी। कैसे, ये कहता है इनका, जैसे देखो ये क्या है, D1 है, D2 है, D3 है, यानी ये क्या है, मांग है और ये क्या है, ये कीमत की लाइन है, ये कीमत की लाइन है, ये क्या है, P1 है, P2 है, P3 है। अब देखो
यहां पर क्या कहा गया कि जैसे अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो उसकी डिमांड में कमी होगा। दूसरी स्थिति इसमें क्या बताई गई कि जैसे जैसे किसी चीज की कीमत में वृद्धि होगी वैसे वैसे उस वस्तु या सेवा की कीमत में, सॉरी सेम चीज हो गया, जैसे अगर इस चीज की कमी में कमी हो गई तो इसमें वृद्धि, इसमें वृद्धि हुई तो डिमांड में क्या हुई, कमी हुई। दोनों बात को समझ लो बहुत आसानी से, दोनों बात को समझ लो आसानी से। देखो क्या कहा गया कि जैसे किसी, ये P1 क्या है, कीमत ये बढ़ते क्रम में है, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, बढ़ते ऊपर, ऊपर की तरफ, ठीक। ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। देखो जैसे किसी चीज की प्राइस P1 है, यानी किसी चीज की प्राइस P1 है यानी कम कीमत है, कम कीमत है, तो यहां पर देखो उसकी डिमांड क्या है, मैक्सिमम है। ये बढ़ते क्रम में है, ये देखो बढ़ते क्रम में है। P1 कीमत है, P1 कीमत है, तो D3 अमाउंट में चीजें खरीदी जा रही हैं, यानी बड़े कीमत में ज्यादा जगह, ज्यादा इसकी क्या हो रही है, डिमांड हो रही है। P2 जैसे इसका बढ़ा, P2 इसका जैसे बढ़ा तो इसका क्या डिमांड कितना हुआ, थोड़ा सा इससे कम हुआ, कीमत बढ़ा, थोड़ा सा कीमत, थोड़ा सा डिमांड कम हुआ। P3 जैसे इसका कीमत हुआ तो इसका डिमांड आप देखो कितना कम हो गया। जो बात ये कहता है, मांग का नियम जो यहां पर कह रहा है कि क्या जैसे जैसे किसी चीज की कीमत में वृद्धि होती है, जैसे जैसे किसी चीज की कीमत में वृद्धि होती है वैसे वैसे उस चीज की डिमांड में क्या होती है, कमी होती है, या फिर जैसे जैसे किसी चीज की कीमत में कमी होती है वैसे वैसे उस चीज की कीमत में वृद्धि होती है। इसको एक पक्ष में और हम लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु या सेवा की मांग में कमी हो जाती है, मांग में कमी हो जाती है, या दूसरी स्थिति में, वस्तु या सेवा की कीमत में कमी होने पर वस्तु या सेवा की मांग में वृद्धि हो जाती है, नोट करके एक पॉइंट यहां पर लिख लेना, कि मांग का संबंध, निश्चित समय और कीमत से होता है, निश्चित समय और कीमत से होता है, क्लियर है। और दूसरा पॉइंट इसी में नोट करके लिख लीजिएगा, जो हम लोग पीछे देखा भी, क्या कि मांग, हमेशा उपभोक्ता से
संबंधित होता है। संबंधित होता है, क्लियर है? देख लो, अब बात करें कि मांग क्या है, मांग क्या है, क्यों है, कैसे है, इन सभी की बात कर ले। जैसे हम लोगों ने तीन बातें देखी, मांग क्या है, मांग क्यों है, मांग का नियम क्या है। मांग क्या है, पहली बात कि एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर इसका संबंध होता है, यानी एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांगी गई या फिर क्रय की गई वस्तुओं की मात्रा ही मांग कहलाती है। मांग क्यों है, किसी वस्तु या सेवा की, किसी वस्तु या सेवा की यूटिलिटी की वजह से, उसकी उपयोगिता की वजह से। मांग का नियम क्या है, मांग का नियम कहता है कि यदि स्थितियां सामान्य हो, अन्य मद सामान्य हो, तो वस्तु या सेवा की कीमत और उसकी मांग में हमेशा विपरीत संबंध होता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पूर्ति क्या है, पूर्ति का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी थ्योरी ऑफ सप्लाई को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार आपको हमारी तरफ से। कोरोना काल में बहुत बच के रहिए आप लोग दोस्तों, आप लोग वॉरियर्स हैं अपने आप के लिए, खुद को, अपनी खुद की इम्यून सिस्टम आप लोग मेंटेन करिए, काढ़ा पीजिए, जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।